हेलो फ्रेंड्स, एके कार फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने है किया की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट। और ये इसका नॉर्मल वेरिएंट नहीं है, ये इसका स्पेशल एडिशन और ऑक्स एडिशन, जो देखने में बहुत मस्कुरा लगता है, बोल्ड लगता है, ऐसा लगता है कि गाड़ी दहाड़ने के लिए तैयार है। ये एडिशन STX वेरिएंट के ऊपर बनाया गया है, जो सेकंड टॉप वेरिएंट है। उसमें आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है, कोई कमी नहीं है। और जगह जगह पे देखेंगे तो आपको ऑरेंज कलर की ट्रिम दिख जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक मस्कुलर हो जाता है और पूरा बोल्ड हो जाता है। एक बार हम इस गाड़ी की देख लेते हैं। इसमें आपको स्मार्ट की देखने को मिलती है, जिससे आप कार को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, और होल्ड करके रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और बूट ओपन कर सकते हैं। पूरी तरह से स्मार्ट की है, दो की मिलती है और दोनों ही आपको स्मार्ट की मिलती है, ये अच्छी बात है। अब एक बार हम इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है 13,45,000 रुपये। और आज मैं हूँ SNR की JK रोड भोपाल में, तो यहाँ पर यह गाड़ी आपको लगभग 15,80,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। इस शोरूम की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब एक बार हम इस गाड़ी के पूरे फ्रंट व्यू की बात करते हैं, तो इसमें आपको 1790 mm की विड्थ मिल जाती है, जिसकी वजह सिर्फ गाड़ी का रोड प्रेजेंस शानदार हो जाता है। बीच में देखेंगे तो यहाँ पे किया का लोगो दिया गया है बड़े साइज में, सिल्वर सार्टन पे है, जो देखने में अच्छा लगता है। मेन जो पूरी कहानी है ना, तो यहाँ नीचे से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में पूरी ग्रिल मिलती है, और यहाँ पे ऑरेंज कलर के थोड़े थोड़े से ट्रिम दिए गए हैं छोटे छोटे पे, जो देखने में अच्छे लगते हैं। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे चौड़ी क्रोम की पट्टी दिखती है, जो देखने में अच्छी लगती है और गाड़ी की सुंदरता को थोड़ा सा इन्हेंस करती है और थोड़ा सा मस्कुलर भी बनाती है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे हेडलैम्प यूनिट पे। यहाँ पे देखेंगे तो DRL दिया गया है, यही इंडिकेटर का भी काम करता है, और ये जब रात के टाइम में ऑन रहता है ना, तो अच्छा लगता है। और यहीं पे आपको पूरा LED का सेटअप किया गया है, लो बीम हाई बीम के लिए। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फॉग लैंप दिया गया है प्रोजेक्टर पे, यहाँ पे हाइलोजन बल्ब का यूज किया गया है, ब्लैक कलर की आपको थोड़े से यहाँ पे भी टच दिया गया है। नीचे देखेंगे तो पूरा ग्लॉसी में बम्पर दिया गया है, जो देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको ऑरेंज वाली ट्रिम दी गई है, छोटी छोटी जगह पे इस टाइप से आपको टच देखने को मिलता रहेगा पूरे एक्सटीरियर के डिजाइन में, जो इसका माहौल बनाता रहेगा। और यहाँ पे भी देखेंगे तो जैसे बम्पर में ब्लैक कलर के छोटे छोटे से आपको टच मिल जाते हैं। पूरा ही अगर आप फ्रंट का व्यू देखेंगे ना, तो नॉर्मल सोनेट से ये तगड़ी लगती है, ज़बरदस्त लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये रोड में चलती है ना, तो अलग ही माहौल बनाती है। और यहीं पे आपको अर्कस की बैजिंग मिल जाती है, जो थोड़ा सा अलग से हाईलाइट होती है। ऊपर देखेंगे बोनट एरिया में तो थोड़ा सा कर्व टाइप का डिज़ाइन है, अच्छा लगता है। अब एक बार हम इस गाड़ी का पूरा साइड का माहौल देखते हैं, तो इस गाड़ी में आपको 3995 mm की लेंथ मिल जाती है और 2500 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी अच्छी खासी लंबी भी दिखती है और अंदर अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। और 1642 mm की मिल जाती है हाइट, तो अच्छी खासी ऊंची गाड़ी है, लंबी चौड़ी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे अलॉय व्हील पे, देखने में गजब के लगते हैं, डायमंड कट के दिए गए हैं, और पूरा अलॉय व्हील भी देखेंगे ना तो मस्कुलर लगता है। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर का थोड़ा सा टच दिया गया है, बीच में किया का लोगो है, पियानो ब्लैक फिनिश में अच्छा लगता है। वंडरर का टायर यूज किया गया है, 16 इंच का टायर है, जो अच्छी खासी चौड़ाई मिल जाती है टायर में, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे वाले टायर में आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मैट ब्लैक में क्लैडिंग दी गई है, जो गाड़ी के सराउंडिंग में घूमती हुई दिखेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे भी तो अच्छा लगता है, यहाँ पे ऑटो की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। और यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी कलर में ही आपको पूरा ORVM दिया गया है, और यहीं पे आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, इसको आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट दोनों ही कर सकते हैं। फीचर्स की तो कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में, नीचे कोई कैमरा नहीं है। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि स्पेशल एडिशन है तो हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। विंडो एरिया देखेंगे तो बड़े साइज के दिए गए हैं, जिसकी वजह से अंदर अच्छी खासी रोशनी मिल जाती है। क्रोम पे डोर हैंडल दिए गए हैं, यहाँ पे पैसिव एंट्री है, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से स्मार्ट की मिलती है। पूरा ही अगर आप साइड का व्यू देखेंगे ना, तो अच्छा लगता है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्लॉसी सिल्वर पे आपको रूफ रेल दिया गया है, जो थोड़ा सा लुक को मस्कुलर बनाता है। और ऊपर आपको मिल जाता है सनरूफ, जो इस गाड़ी की सुंदरता और फीचर्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो डोर के नीचे यहाँ पे आपको ऑरेंज लाइन मिल जाती है, और उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ग्लॉसी सिल्वर पे ही पूरा क्लैडिंग दी गई है, जो देखने में अच्छी लगती है। पूरा ही अगर आप साइड का व्यू देखें, पीछे का देखें, आगे का देखें, गजब की लगती है गाड़ी, मस्कुलर लगती है। पीछे देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वार्टर ग्लास भी है, जिसकी वजह से मैंने जैसे बताया कि अंदर अच्छा खासा थोड़ा सा एरिया फील होता है, ऐसा नहीं लगता कि अंधेरा टाइप से। अब एक बार हम इस गाड़ी का पूरा पीछे का व्यू देखते हैं, क्योंकि आगे और साइड का व्यू देखेंगे ना, तो पूरा ही आप देखेंगे तो मस्कुलर लुक लगता है, थोड़ा सा एंग्री टाइप से लगता है। और यहाँ पे देखेंगे तो पीछे भी आपको ये पूरा LED पे ही दिया गया है, कनेक्टेड टाइप से ये लाइट है, जैसे आपको फ्रंट में मिलती उसी टाइप से पूरा पीछे भी डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे आपको ये 5 डॉट मिल जाते हैं,
और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे रिवर्स पार्किंग वाली लाइट और यहीं पे इंडिकेटर दिया गया है। बीच में देखेंगे तो किया का लोगो दिया गया है, सिल्वर फाइटन पे है और यहीं पे मिल जाता है रिवर्स पार्किंग के लिए कैमरा। ये सेकंड टॉप वेरिएंट में बेफ है, जैसे मैंने आपको बताया तो भरपूर चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें आपको वाइपर नहीं मिलता लेकिन डिफॉगर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऊपर देखेंगे तो हाई स्टेप माउंटेन लैंप और शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। फीचर्स की कोई कमी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिले, बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सोनेट की बैजिंग है और नीचे भी देखेंगे ना तो गजब का मस्कुलर लगता है। यहाँ पे रेड कलर का आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर। पीछे देखेंगे तो पूरा आपको दो रिवर्स पार्किंग वाले सेंसर दिए गए हैं। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ही आपको माहौल दिया गया है। और नीचे भी देखेंगे तो ग्लॉसी सिल्वर पे आपको ये मिल जाता है बम्पर, पूरा रियर का बम्पर और फ्रंट का बम्पर एक ही तरह पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर की थोड़ी सी ट्रिम मिल जाती है। छोटे छोटे से यहाँ पे भी जगह है जहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। ओवरऑल डिज़ाइन गजब का लगता है, कोई कमी नहीं है। नॉर्मल वेरिएंट से अगर आप देखेंगे ना तो ये गाड़ी थोड़ा सा गजब की लगती है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, इतना कोई भी नहीं देता आपको। तो ये तो हो गया इस गाड़ी का पूरा अंदर और बाहर का माहौल। और एक चीज़ और थी, यहाँ पे आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया गया है। ये इसका डीजल वेरिएंट है और यहाँ पे देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ही छोटे छोटे से यहाँ पे तीर टाइप की लाइन दी गई है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी की सुंदरता पे चार चांद लगाती है। अब एक बार हम इसका बूट ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें कितना बूट स्पेस मिलता है। जैसे ऊपर देखेंगे तो पूरी तरह से कवर किया गया है और ऊपर आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट भी दी गई है LED में। पूरा हार्ड प्लास्टिक है लेकिन अच्छी तरह से कवर किया गया है, देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्रीमियम वाला फील कराता है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्पल ट्रे, ये भी अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दिया। और इस गाड़ी में आपको 392 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बूट लाइट भी दी गई है, अच्छा खासा स्क्वायर पे है तो दो तीन बड़े साइज के बैग आराम से बैठ जाएंगे। ग्रॉसरी हुक भी दिया गया है और सामान उतारने और चढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और अगर आप बूट और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो सीट को फोल्ड करके और भी इंक्रीज कर सकते हैं और सामान भर भर के रख सकते हैं। ये तो अगर गाड़ी का पूरा बाहर बाहर का माहौल। अब एक बार हम ड्राइवर साइड का डोर ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ें मिल रही हैं। अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जैसे HTX वेरिएंट के ऊपर बनाया गया है तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से हैं। अंदर बाहर का ही पूरा व्यू चेंज किया गया है, अंदर आपको सेम चीज़ें मिलेंगी और हाँ सारी चीज़ें आपको उसी टाइप से। अंदर जैसे ऑरेंज कलर की जो पीछे आपको बाहर साइड जो सारी चीज़ें मिल रहे थे ट्रिम, अंदर आपको कुछ भी नहीं है। पूरा आप डोर ट्रिम देखेंगे तो अच्छा लगता है, ड्यूअल कलर पे है। ऊपर देखेंगे तो पूरा हार्ड प्लास्टिक में है, यहाँ पे भी छोटे छोटे से टच हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। सिल्वर पे आपको दिया गया है ओपनर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आप पूरा ORVM को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है, फोल्ड करने के लिए दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप टच करके इसको फोल्ड कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको चारों ही पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं लॉक और अनलॉक करने के लिए। ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये पूरा सॉफ्ट टच पे है, सिर्फ देखने के लिए नहीं है, अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, जैसे अम्ब्रेला होल्डर भी है, 1 लीटर की बॉटल भी आराम से बैठ जाएगी। और स्पीकर दिया गया है, नीचे आपको एक स्पीकर और एक ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का पूरी तरह से सेटअप किया गया है। म्यूजिक क्वालिटी गजब की है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसकी सीट पे, सीट देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगती है यार। मतलब ड्यूअल कलर पे है, जैसे लाइट और डार्क कलर के है तो उसमें आपको कलर थीम भी शानदार दिखती है। और इसमें आपको अच्छा खासा कुशनिंग भी मिल जाती है, जैसे पूरी देखेंगे तो लेदर टाइप की सीट दिखती है, अच्छा खासा गजब का थाई सपोर्ट मिलता है, बकेट टाइप की पूरी सीट है। अगर आप बैठेंगे ना तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से आगोश में भर लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एयरबैग भी मिल जाता है, इस गाड़ी में आपको 4 एयरबैग दिए गए हैं, आगे चल के मैं बात करूँगा। और इसको आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं और रिक्लाइन भी कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। पूरा ही देखेंगे तो लेदर टच है, अच्छा लगता है। और जैसे ये पूरा क्रीम कलर पे है ना, लाइट कलर में, तो थोड़ा सा प्रीमियम फील कराती है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे डैशबोर्ड में, ऊपर देखेंगे तो पूरा ही हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे दिया गया है एफिनोब, सराउंडिंग में सिल्वर का यूज किया गया है, बड़े साइज के एफिनोब हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे भी छोटे छोटे से डॉट टाइप के डिज़ाइन हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बटन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है और हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए दिया गया है। पीछे देखेंगे तो पूरा ही ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है जो अच्छा लगता है और वाइट कलर का टच दिया गया है पीछे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक्सीलेटर और ब्रेक मिल जाता है क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है। और अगर IMT भी होता तो उसमें भी आजकल क्लच निकाल दिया गया है। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसके बाद आपको एक एक करके सारे फीचर्स बताता हूँ कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिल रहे हैं। लेकिन आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
पूरा स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो अच्छा लगता है, पूरा लेदर रैप में दिया गया है, डी कट है, फ्लैट एंड बॉटम टाइप से जो अच्छा लगता है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सोनेट की बैजिंग मिल जाती है, बीच में आपको मिल जाता है किया का लोगो सिल्वर सार्टन पे, अच्छा लगता है। और दोनों साइड आपको पोंपों वाला हॉर्न मिल जाता है, हॉर्न बहुत लाउड है, गजब का लगता है। इधर देखेंगे तो पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल मिल जाता है और टेलीफोनिक का कंट्रोल, बीच में आपको ये बटन मिल जाते हैं जिससे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको सिल्वर का टच दिया गया है। इधर देखेंगे तो पूरा क्रूज कंट्रोल दिया गया है और MID को कंट्रोल करने के लिए स्विच दिए गए हैं। ओवरऑल अगर आप पूरा स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो गजब का लगता है। आगे देखेंगे तो ये आपको डिजिटल क्लस्टर दिया गया है, बीच में जितना है वो डिजिटल है और साइड साइड में आपको एनालॉग टाइप से ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इधर देखेंगे तो वाइपर का कंट्रोल दिया गया है और इधर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाता है, ये सारे आप यहाँ पे स्विच दिए गए हैं, इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर दिया गया है, बस इसको दबा के आप फटफटा के गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलाने का मज़ा ही तब आता है। और इस गाड़ी में देखेंगे तो आपको ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, जैसे आप इसको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों नहीं है। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, यहाँ पे देखेंगे तो 8 इंच का टच स्क्रीन पैनल दिया गया है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। ये जो आपको बटन दिए गए हैं ये भी प्रीमियम क्वालिटी का, और पीछे जो ये वाइट कलर दिख रहा है ना, इसको अगर आप निकाल देखेंगे ना तो पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में हो जाएगा, उसके बाद और भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। नई गाड़ी है इसलिए ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अभी यहाँ पे दिया गया है पूरा हजार्ड का बटन, एसी नोब का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो बड़े ही साइज के मिलते हैं, और नीचे आपको यहाँ पे क्रोम का टच दिया गया है, अच्छा लगता है। और पूरी तरह से इसमें ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, और जो भी बटन है ना अच्छी खासी प्रीमियम क्वालिटी के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको शिकायत नहीं होगी। यहाँ पे भी छोटी सी जगह है, आप मोबाइल रख सकते हैं, और नीचे आपको ये मिल जाता है चार्जिंग का सपोर्ट, जैसे 12 वोल्ट का सॉकेट, और बीच में आपको USB मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम पे लगाने के लिए, और ये चार्जिंग के लिए दिया गया है। ये आपको मिल जाता है 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स, ये देखने में प्रीमियम लगता है यार, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट टच दिया गया है लेदर टाइप से। नीचे भी देखेंगे तो अच्छी तरह से कवर किया गया है, यहाँ पे पूरे कंट्रोल मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं, और सराउंडिंग में भी देखेंगे तो ये पूरा सिल्वर का यूज किया गया है जो इसकी सुंदरता पे 4 चांद लगाता है। और यहाँ पे हर जगह अगर आप देखेंगे ना तो छोटे छोटे फिर डॉट टाइप के डिज़ाइन मिलते हैं जो अच्छे लगते हैं, और थोड़े से फैमिलियर भी लगते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह मिल रहे हैं, हर जगह हैं तो अच्छे लगते हैं। इसके बाद आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक क्रोम की टिप के साथ, और यहाँ पे आपको मिल जाता है कप होल्डर, बीच में छोटी जगह है, मोबाइल रख सकते हैं, आर्मरेस्ट दिया गया है, अच्छा खासा स्पेस है, सॉफ्ट टच पे है। ये तो हो गया पूरा सेंट्रल कंसोल, ऊपर देखेंगे तो डे नाइट वाला मैनुअल IRVM है, यहाँ पे मिल जाती है कैबिन लाइट हाइलोजन पे है, सनग्लॉफ होल्डर दिया गया है, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको सनरूफ के लिए कंट्रोल करने के लिए बटन, इसको आप यहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लाइंड आपको हाथ से ही ओपन करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा, शटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको सन वाइजर दिया गया है वैनिटी मिरर के साथ, और ड्राइवर साइड देखेंगे तो सिर्फ आपको टिकट होल्डर मिलता है। उसके बाद साइड में देखेंगे तो एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल है। पूरा एक बार इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखिए आप, डुअल थीम है ना, जिसकी वजह से इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ऊपर आपको पूरा ब्लैक कलर है, नीचे लाइट कलर है, डिफेंस साइड का ग्लव बॉक्स दिया गया है, कूल्ड नहीं है, नॉर्मल ही है, टॉप एंड वेरिएंट में कूल्ड मिलता है लेकिन इसमें नॉर्मल ही है। तो ये तो हो गई पूरी कहानी, कुछ मिस तो नहीं हो रहा। अब अगर मैं इसकी सेफ्टी की बात करता हूँ तो इसमें आपको 4 स्टैंडर्ड एयरबैग्स, ABF+EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब सेफ्टी की कोई कमी नहीं है, भरपूर सेफ्टी मिल जाती है, और फीचर्स की तो कोई कमी है ही नहीं है। किया गाड़ी बनी ही इसीलिए है कि इसमें आपको भरपूर फीचर्स मिलते हैं। पीछे का अगर आप डोर ट्रिम देखेंगे तो आगे की तरह है, कुछ भी चेंज नहीं है, उसी टाइप से पूरा डिज़ाइन किया गया है, कलर थीम भी उसी टाइप से है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर आपको ब्लाइंड मिल जाता है जो आपको पुलिस वालों से बातचीत करवा देता है कभी कभी, क्योंकि पुलिस वाले समझते नहीं हैं कि ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाता है पूरा लेदर टाइप से, स्टिचिंग देखेंगे तो अच्छी तरह से की गई है, और नीचे आपको मिल जाता है स्पीकर और बॉटल होल्डर। उसके बाद आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे पीछे के सीट में, पीछे भी देखेंगे तो आपको तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं। सीट तो बहुत गजब की लगती है, चाहे आप आगे की देखें या पीछे की, 3 लोग तो आराम से बैठ जाते हैं, और अगर दुबले पतले हैं तो 4 लोग भी बैठते हैं। और थाई सपोर्ट भी देखेंगे तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और साइड का भी पूरा सपोर्ट देखेंगे तो अच्छा है। जो मेन कलर है ना डुअल थीम, उसकी वजह से इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है AC, पूरा आप देखेंगे तो सिल्वर का यूज किया गया है सराउंडिंग में, जो अच्छा लगता है। ऊपर यहाँ पे मिल जाती है एक और कैबिन लाइट, 2 आपको आगे मिलती हैं और 1 आपको पीछे मिल जाती है, लेकिन हाइलोजन में है, अगर LED में होती तो और माहौल बन जाता। यहाँ पे आपको अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता है, अच्छा खासा आपको हेड रूम मिल जाता है, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है।
अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ इस टाइप से पूरा डैशबोर्ड का डिजाइन दिखेगा जो गजब का लगता है। तो गाड़ी को आप चाहे अंदर से देखें या बाहर से देखें, पूरा ही लुक इस गाड़ी का बहुत गजब बनाया गया है। अंदर से थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन बाहर से ये जो ऑरॉक से एडिशन आया है, स्पेशल एडिशन, बाहर तो इसका गजब का एग्रेसिव लुक दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये गाड़ी पूरी तरह से दहाड़ने के लिए तैयार है। अब एक बार हम इस गाड़ी के इंजन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 1493 सीसी का पावरफुल इंजन मिल जाता है, BF6 फेस 2 वाला फुली रिफाइंड, जो 6 स्पीड की ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। और इसमें आपको 114 bhp की मैक्सिमम पावर और 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन से आपको लगभग 19 kmpl की माइलेज भी क्लेम की जाती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मैंने अगर कुछ गलती की या कुछ गलत बताया वो भी आप कमेंट करके बताना। और इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।